दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने फेसबुक से किसी का भी स्टोरी अपने गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी की जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार फेसबुक से किसी का भी वीडियो या आप स्टोरी कैसे आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड ने स्टोरी लगाया हुआ है और इस स्टोरी को हम अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं या हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे वीडियो हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से किसी एक वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना है। तो आखिरकार किसी भी वीडियो को हम अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप अपनी स्टोरी को या किसी वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर सर्च बार पर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से क्या करना है कि उस वीडियो का लिंक आपको कॉपी करना होगा। तो आप यहाँ पर इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक ऑप्शन कॉपी लिंक, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आप किसी का स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस स्टोरी पर क्लिक करिए, यहाँ पर मिलेगा थ्री डॉट, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर मिल जाएगा कॉपी लिंक टू शेयर दिस स्टोरी और यहाँ से इस कॉपी यानी कि इस स्टोरी का लिंक आप यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाइए और आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो आपको जाना है ब्राउजर में, ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा बढ़िया टेक BADIYA और TECH बढ़िया टेक और उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अब इसे आप ओपन कर लीजिए, ये मेरा ही वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा सर्च बार, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा फेसबुक, उसके बाद वीडियो और उसके बाद डाउनलोड और यहाँ से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपका आ जाएगा ये पोस्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर मिलेगा फेसबुक वीडियो डाउनलोड कैसे करें गैलरी में। अब आप इसे ओपन कर लीजिए, जैसे आप इसे ओपन करेंगे ये पोस्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। याद रहे कि यहाँ पर आपको कम से कम 10 मिनट यानी कि 10 सेकेंड या आपको 20 सेकेंड का इंतजार करना होगा क्योंकि यह पेज पूरी तरीके से लोड होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड, आप इस पर क्लिक करिए और डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आप आसानी से कर सकते हैं, आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अब यहाँ पर आपको वो लिंक पेस्ट करना है जिस लिंक को आपने कॉपी किया था। यहाँ पर आप लिंक पेस्ट करिए, उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक ऐड दिखाई देगा, इसे आप कट कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे आपको वही स्टोरी दिखाई देगा जिस स्टोरी का मैंने फेसबुक से यहाँ पर अभी लिंक कॉपी किया था, तो आपको वही स्टोरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप इसे किस तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर 720 में, यहाँ पर 480 में या सिर्फ आईडियो में, तो आप अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन में अभी ये स्टोरी डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ऐड को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा ये वीडियो डाउनलोड हो चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे और अभी आपको फिर से एक ऐड दिखाई देगा, ऐड को आप यहाँ से कट कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे आपका वीडियो वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो ये वो आसान तरीका है जहाँ से आप फेसबुक से किसी का भी स्टोरी अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।